नमस्कार। इस समय मैं इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो जनपद बस्ती में हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि शहरी क्षेत्रों के लोग जो शहरों में निवास करते हैं उनके लिए कौन सी ऐसी किस्में हैं जो अपने घर की अपनी बालकनी की बगिया में लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि अपनी बालकनी में भी उसको लगा सकते हैं। आज हम बात करेंगे आम के उन किस्मों के बारे में जिसको आप आसानी से अपनी खाली बालकनी की जगह में या खाली बगिया में आसानी से लगा सकते हैं शहरों के सीमित क्षेत्र में रहते हुए। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पौधे दिख रहे हैं सभी पौधे लाइन से अल्ट्रा हाई डेंसिटी में यानी अति सघन बागवानी के अंतर्गत बड़े बड़े गमलों में रोपे गए हैं। इस तरह इस तरीके से कोई भी किसान भाई, कोई भी बागवान, कोई भी पौध का जो पसंद करने वाला व्यक्ति है, आम की किस्मों को पसंद करने वाला व्यक्ति है, इन किस्मों को आसानी से गमलों में रोक करके आम के फलों का आनंद आम के सीजन में ले सकता है। तो अभी आप देख रहे होंगे मेरे सामने एक विदेशी प्रजाति जो जिसे हम सेंसेशन, आप बोर्ड भी देख सकते हैं, सेंसेशन के नाम से जानते हैं, और इसका ये पौधा आपको गमले में लगा हुआ दिख रहा है। ये बस्ती जनपद में स्थित इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो में रोपे गए हैं। ये मदर प्लांट है जो नेट हाउस में रोपे गए हैं, ये पाली हाउस में। तो ये पाली हाउस में इनको इसलिए रोपा गया है कि इनसे नए पौधे तैयार किए जाए, और दूसरा वो लोग जो गमलों में पौधों के रोपने के शौकीन हैं या कम जगह जिनके पास है वह लोग भी आम के पौधों को अपने यहाँ रोप करके आसानी से फलों का आनंद, आम के फलों का आनंद ले सकते हैं। अब देखिए सामने आपको पूसा की वैरायटी दिख रही है, पूसा सूर्या वैरायटी दिख रही है। यह पौधा भी जो है गमले में ही रोपा गया है। अगर हम बात करें दूसरी वैरायटी के, वो सभी वैरायटियाँ हैं जिनको आप आसानी से गमलों में रोप सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और खूबसूरत कलर और स्वाद के मामले में, और इसके तोड़ने के बाद जो इसको भंडारित करने की बात की जाती है तो लंबे समय तक भंडारित किया जाने वाला पद जो है अरुणिमा प्रजाति है, इसको भी गमले में आसानी से आप रोप सकते हैं। CISH की वैरायटी अंबिका है जिसका वजन काफ़ी बड़ा काफ़ी होता है, 700 ग्राम तक जाता है। ये आपके सामने CISH अंबिका है, आम्रपाली वैरायटी है। इन सारी किस्मों को किसान भाई अपने घरों में, बगिया में और गमलों में आसानी से रोप सकते हैं। ये बौनी प्रजातियां हैं, इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है और 2 से 3 साल बाद ये फलत देने लगती हैं। औसत तौर पर 30 से लेकर 50 किलोग्राम इन पौधों से फलों का उपज लिया जा सकता है। चौसा, कपूरी, ये सारी वैरायटियाँ जो औसत से बड़ी होती हैं, इन वैरायटियों को भी आप चाहें तो गमले में रोप सकते हैं और गमले में रोप करके अच्छी फलत ले सकते हैं। तो किसान भाई, कोई भी किसान जो रंगीन किस्में रोपना चाहते हैं, वह किसान या जो पारंपरिक किस्में रोपना चाहते हैं, इस तरह के भी किसान इन किस्मों को अपने यहाँ गमले में रोप लें। गमलों की साइज आप देख सकते हैं, हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी में रोपे, अति सघन बागवानी के अंतर्गत रोपे। पौधे जब बड़े होने लगे, इनकी टहनियाँ बड़ी होने लगे, तो इनकी काट छांट प्रूनिंग करें सितंबर से लेकर के नवंबर के फर्स्ट वीक तक, और फलों का आनंद लेते रहें। वीडियो के बारे में आपके राय, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। नमस्कार।